100 साल से पुरानी बस्ती फिर भी नहीं मिल रहा पट्टा। पट्टे की मांग को लेकर बस्तीवासी पहुंचे कलेक्ट्रेट। हम बात कर रहे हैं वार्ड 44 महाजन टोला हरिजन बस्ती की। शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की खामियां धीरे धीरे सामने आ रही हैं, जो कि इस चुनावी वर्ष में उसके लिए लाभ देने वाली योजना की जगह आफत खड़ी करने वाली योजना भी साबित हो सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शासन द्वारा सबको आवास, मकान, जमीन जैसी योजनाओं की। हम आपको बता दें, जिस बस्ती के लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान के काबिल नहीं समझा गया, उन्हें उक्त जमीन का पट्टा भी नहीं दिया गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रीवा शहर के वार्ड क्रमांक 44 महाजन टोला की हरिजन बस्ती गली नंबर 1 की। यहाँ पर लगभग 100 लोग पिछले 100 साल से निवास कर रहे हैं। यहाँ के निवासी चाहते हैं जिस ज़मीन पर वो रह रहे हैं वह ज़मीन उन्हें अलाट कर दी जाए, उसका पट्टा मिल जाए, जिससे वो अपना पक्का मकान बना सकें। लेकिन शासन उन्हें ना तो पट्टाधारी बना रहा है, ना ही प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता प्रदान कर रहा है। जबकि उसी जगह की निवासी मानवती साकेत को नगर निगम ने पात्र करते हुए मकान की राशि उपलब्ध करवा मकान बनवा दिया। शासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करने के लिए बस्तीवासी कलेक्ट्रेट पहुंच गए। वार्डवासियों का कहना है, हम वोट डालते हैं, घरों में लाइट है, पानी की सुविधा है, फिर भी शासन हमारी नहीं सुन रहा। यहाँ पर क्यों आए हो, क्या समस्या है? सर, ये समस्या, हम लोग को पट्टा नहीं है, बहुत साल पुरानी बस्ती है, 100 साल 200 साल अभी तक पट्टा नहीं बना। आवेदन भी दिए थे, अभी तक सुनवाई करवाई कुछ नहीं हुआ, इसलिए हम लोग दूसरी बार आए हैं। कहाँ से आए हैं? महाजन टोला, वार्ड क्रमांक 44, ग्राम महाजन टोला, गली नंबर 1, हरिजन बस्ती। ये पूरी बस्ती जो है तो अपने सामने ही खड़े हैं, 44 वार्ड। मेरा नाम है गेंदा भाई साकेत। किस लिए आए हैं आप लोग? हम आए हैं सर पट्टा के लिए। हम लोग को कोई आधार मिलता नहीं है, जो कुछ भी मिलता है तो हम लोग को आता ही नहीं है हम लोग के पास, इसलिए हम लोग भटक रहे हैं। अभी अगले महीने दे गए हैं कलेक्ट्रेटी में भी, मजिस्ट्रेटी में, हर जगह दे गए हैं। अब आखिरी तहसील साहब के पास आए हैं। वार्ड क्रमांक 44 से ये ग्राम, वहाँ के जितने निवासी हैं सब यहाँ कलेक्टर के पास आए हैं। इनकी समस्या ये है कि 200 साल पहले से इनकी जो है तो वहाँ पर इनके पूर्वज निवास करते थे, आज ये लोग निवास कर रहे हैं, लेकिन आज तक इन लोगों को कोई भी ज़मीन का पट्टा नहीं प्रदान किया गया, न तहसीलदार द्वारा इसकी शिकायत भी की गई, कलेक्टर को भी जो है तो इसका अप्लीकेशन दिया गया, कमिश्नर को भी दिया गया, लेकिन आज तक इनको जो है कोई भू अधिकार का अभिलेख जो है नहीं प्रदान किया गया है। और इन लोगों को जो शासन द्वारा पीएम आवास हेतु जो राशि उपलब्ध कराई जाती है, तो चूँकि पट्टा नहीं होने के कारण इनको जो है तो मध्य प्रदेश शासन से जो पीएम आवास की राशि है उससे भी ये लोग जो है तो वंचित हैं। और कई तरह के जो है समस्याएं हैं इनके पास है, और इन समस्याओं को लेकर के यहाँ पर आए हैं तहसीलदार के पास कि हमको जो है तो ज़मीन का पट्टा प्रदान किया जाए, इसके लिए इन्होंने आवेदन किया। इनका नाम वोटर लिस्ट में है, और इनका नाम वोटर लिस्ट में है, इनका बीपीएल सूची में नाम दर्ज है, इनके मकान में लाइट बिजली लगी हुई है, सारी चीज़ है, पानी की सप्लाई है, और नगर पालिका निगम द्वारा जो है तो इनको जो भी सुविधा है उधर तो किया जा रहा है। लेकिन समस्या इस बात का है कि जहाँ इनका मकान है, और वो मकान काफ़ी अरसों पूर्व से ये लोग बसे हैं, लेकिन उसका आज तक पट्टा नहीं। ठीक।